साम्राज्य विस्तार करने की भावना युद्ध को निमंत्रण देती है। इन्हीं युद्धों में विश्व के महान योद्धाओं की तलवारें पूरे गर्व के साथ लहराई। आज हम इतिहास के उन महान योद्धाओं की तलवारों के बारे में बातचीत करेंगे जिन योद्धाओं की तलवारों ने अपने प्रतिद्वंद्वी को खंड खंड विखंडित कर दिया। आज से 800 साल पहले भारत हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर हुआ करता था। भारत में विभिन्न प्रकार के हथियारों का निर्माण किया जाता था। भारतीय व्यापारी अपने हथियारों को अरब व्यापारियों को बेचा करते थे। अरब व्यापारी बाद में इन हथियारों को यूरोप ले जाया करते थे। एक ऐसी ही तलवार यूरोप में पड़ी है जो दुनिया की सबसे ताकतवर तलवार मानी जाती है और उस तलवार का नाम है दमास्कस द ग्रेट स्वॉर्ड। अरब में इसी तलवार को अस शरीफ अल इद्रसी कहा जाता है। सीरिया युद्ध के समय प्रयोग होने वाली यह तलवार घोड़े सहित योद्धा को दो भागों में काटने का मादा रखती है। अब जानते हैं भारत के महान योद्धा की महान तलवारों के बारे में। नंबर एक पर बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में तीन अनोखी तलवारें थी, भवानी, जगदम्बा और तुलजा तलवार। एक मान्यता के अनुसार भवानी तलवार माँ भवानी ने स्वयं प्रकट होकर शिवाजी महाराज को भेंट की थी। तुलजा तलवार पिता शाहजी से शिवाजी महाराज को प्राप्त हुई थी। और तीसरी तलवार जो कि जगदम्बा तलवार थी, 7 मार्च वर्ष 1659 में कोंकण दौरे पर जब शिवाजी गए थे तो उनके एक सेनापति अंबाजी ने स्पेनी जहाज पर धावा बोल दिया था। इसी जहाज में एक ड्यूक फर्नांडिस नाम का व्यक्ति था जिसके पास में एक बहुत ही खूबसूरत तलवार थी। इस तलवार को अंबाजी ने छीन लिया था। बाद में महाशिवरात्रि के दिन अंबाजी के पुत्र कृष्णाजी ने यह तलवार शिवाजी महाराज को भेंट की थी और शिवाजी इस तलवार को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। शिवाजी महाराज ने आदेश दिलवाया कि ऐसी तलवारें उनके सभी सैनिकों को प्रदान की जाए, जिसके बाद में तलवारों का एक जखीरा शिवाजी महाराज के लिए स्पेन से रवाना किया गया। स्पेन के राजा ने एक रत्न जड़ित तलवार शिवाजी महाराज को भेंट की थी और यही तलवार जगदम्बा तलवार थी। इस तलवार को बाद में अंग्रेज अपने साथ में ले गए थे और बाकी की दो तलवारें भवानी और तुलजा तलवारों के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। नंबर दो पर बात करते हैं महाराणा प्रताप की तलवार। हुकुम महाराणा प्रताप के सामने दुनिया के सभी शासक नतमस्तक थे। हुकुम जब भी युद्ध पर निकला करते तो अपने साथ में दो दो तलवारें रखा करते थे। इसके पीछे की बात यह है कि जब भी वो तलवारबाजी किया करते थे तो सामने वाले को एक तलवार दे देते थे अगर वो बंदा निहत्ता है। निहत्ते सैनिकों पर वार न करने की यह सीख उन्हें अपने माताश्री से मिली थी जिसका उन्होंने जीवन पर्यंत पालन किया था। लेकिन महाराणा प्रताप के पास में एक खानदानी तलवार भी थी जिसे सांगा से लेकर महाराणा प्रताप तक के शासकों ने युद्ध भूमि में प्रयोग किया था। ये तलवार काफ़ी ज़्यादा अद्भुत थी। महाराणा प्रताप की इस तलवार का वजन 45 किलो था और उनके भाले और कवच भी काफ़ी ज़्यादा भारी हुआ करते थे, लेकिन फिर भी उनको चेतक लेकर युद्ध भूमि में हवा से बातें करता हुआ चलता था। महाराणा प्रताप की यह तलवार वर्तमान समय में उदयपुर म्यूजियम में रखी गई है। नंबर तीन पर आती है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार। इतिहास में राय पिथौरा आखिरी हिंदू सम्राट के नाम से प्रसिद्ध सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास में भी एक अद्भुत तलवार थी। उनके पास में 900 वर्ष पुरानी चौहानी तलवार थी। यह तलवार चौहान वंश की खानदानी तलवार थी जो किसी भी शासक को उसकी गद्दी संभालने के बाद में प्राप्त होती थी। इस तलवार की खास बात यह थी कि इस तलवार की मूठ 4 इंच लोहे की बनी थी और इसकी धार तेज दमस्कस से बनी थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने इसी तलवार का प्रयोग किया था जिसके बाद में इस तलवार का जिक्र हमें कहीं नहीं मिलता। अभी हाल ही में कुछ समय पहले माधो सिंह ट्रस्ट ने एक प्रदर्शनी का आयोजन करवाया था जिसमें अद्भुत तलवारों को जनता के सामने रखा गया था। इसी तलवारों में एक 38 इंच लंबी तलवार को प्रदर्शित किया गया था और इस तलवार के नीचे लिखा गया था सम्राट श्री पृथ्वीराज बहादुर सम्मत 1282। इस तलवार के बारे में यह दावा किया गया था कि यह तलवार सम्राट पृथ्वीराज चौहान की है, लेकिन इसकी ऐतिहासिकता अभी पूर्ण रूप से जांची नहीं गई है। नंबर चार पर बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह की तलवार। महाराजा रणजीत सिंह जिन्हें आप शेर पंजाब के नाम से जानते हैं, इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में सिख साम्राज्य को एक बुलंदियों पर पहुंचाया था।
इन्होंने अनेक युद्धों में भाग लिया था और अनेक युद्धों में विजय के बाद में इन्होंने अपनी एक धाक कायम की थी। इन्होंने कई बार अंग्रेजों के दांत भी खट्टे किए थे, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की यह तलवार अंग्रेज अपने साथ में इंग्लैंड ले गए थे। ये तलवार जिस सैनिक से प्राप्त हुई है, उस सैनिक का कहना है कि यह तलवार उनके दादा से उनको मिली थी। इस तलवार की धार पर महाराजा रणजीत सिंह का चित्र है और गुरुमुखी लिपि में छत्र पंजाब लिखा गया है, जिसके बाद में ये पता चलता है कि यह तलवार महाराजा रणजीत सिंह की है। 18 मार्च को हुई नीलामी में इस 38 इंच लंबी तलवार को नीलाम कर दिया गया था, जिसे भारतीय मूल के एक डीलर ने खरीदा था। अंग्रेज भारत से काफ़ी ज़्यादा हथियार और बेशकीमती चीज़ों को लेकर चले गए थे, जिसके बाद में वे अब समय समय पर इन तलवारों और बेशकीमती चीज़ों की नीलामी करते हैं और इस नीलामी से काफ़ी ज़्यादा धन उनको प्राप्त होता है। हाल ही में उन्होंने टीपी सुल्तान की एक तलवार को नीलाम किया, जिसे भारत के एक उद्योगपति विजय माल्या ने खरीद लिया था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसी प्रकार के और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।